अधीरा कहाँ है? वही है एक जो बेताल के लोगों का सामना कर सकता है। सरकार हमें माफ कर देती है। कहां आप, कहां हम? आप बेताल हैं और हम पाताल हैं। इस बार अगर आप बड़ा दिल रख के हमें माफ कर देंगे सरकार, तो अगली बार हम लंबी कतार में खड़े होके आपका पूरा कर चुका देंगे। मगर धीरा, हमें जो कर भरना है ये रहा। मगधीरा को बीच में रखकर किसी भी तरह इस बार तो तुम लोग बच गए, क्योंकि इसने मेरे पैर पकड़कर मुझे रोक लिया। लेकिन आइंदा कर भरने में अगर कोई चालाकी दिखाई तो मैं तुम लोगों की समाधि बना दूंगा। सरकार आपका नाम? विदारी। बड़े भाई विदारी, हमें माफी दे ले विदाई। हमारे जिंदाबाद बोलो भाई। जिंदाबाद। जिंदाबाद भाई विदारी, हमें माफी दे ले विदाई। जिंदाबाद। जिंदाबाद। खाया बकरी गोश्त, पंडित जी के पूरी छोले मार। खाने खाया बकरी गोश्त, पंडित जी के पूरी छोले मार। अरे सुनो विदारी, माफ करके वो कब के चले गए मगधीरा? क्या क्या? ओ मगधीरा, पूरा गांव तुम्हारी बहादुरी देखकर आश्चर्यचकित हो गया है। जो झुकता है वो गरजता भी है। आज पैर पकड़े, कल गला पकड़ोगे, ये हो के रहेगा, याद रखना। आपका आशीर्वाद होना चाहिए। एक छोटी सी मदद चाहिए। हमारे गांव में जब कोई आता है तो तुम ही उसे सुरक्षित लेकर आते हो। कल यहाँ महा पूजा है, दिन भी बहुत अच्छा है। मेरी बेटी पवल मल्ली पढ़ाई पूरी करके गांव वापस आ रही है। कल सुबह सुबह तुम नदी किनारे जाके मेरी बेटी को लेके आ सकते हो बेटा। ये भी मेरा ही कर्तव्य है, यही कहने वाला है ना भाई? क्यों भाई मगधीरा, पवल वल्ली गोरी होगी या काली? अरे हरी होगी, चुपचाप चलो। कहाँ है मेरी तारक मंगला? पानी में भी नहीं है, किनारे पे भी नहीं है, शायद आसमान से उतर के आएगी। दिखने में तो बहुत सुंदर है, इसको बनाने वाला कौन है? मैं हूँ बलमा, आपकी होने वाली तारिका। तुम तारक नहीं हो, कमल हो।
माँ ने कहा था, क्या कहा था, तुम्हारी नाक के नीचे एक मूंछ और नाक के ऊपर एक मूंछ है, इस पूरी दुनिया में तुम्हारी तरह दो दो मूंछ रखने की हिम्मत तुम्हारे सिवा और कौन कर सकता है बलमा? तुम्हें देखते ही मैं पागल हो गया हूँ। उससे पहले ये गंजा हो जाएगा। चल चल भाग यहाँ से। और दोस्त अभी आया, व्यापार कैसा चल रहा है भाई? नहीं आई, इसका मतलब तुम बदली नहीं हो क्या? वैसे मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, भगवान की बनी हुई एक रचना हो और उस पर ये साड़ी। ज्यादा बोलेगा तो मैं तेरा खून कर दूंगा। ठीक है जाने दो। और बताओ गांव में सब कैसा है? सब बहुत अच्छा चल रहा है। कल ही हमारे मगध हीरा ने वेतार के पैर पकड़े और उससे विनती की और वाग्यनगर को बचा लिया है ना। क्या, पैर पकड़ के गांव को बचाया? अरे अरे भांडा फोड़ दिया। वाग्यनगर की बेटी हो कहते हुए शर्म आ रही है मुझे। दो रंगी ये सब बताना बेकार है, ये समझेंगी नहीं। क्यों नहीं समझूंगी, हमारे गाँव में मूछों वाला मर्द नहीं है क्या? अरे भाई मगध हीरा, इस घोड़ा गाड़ी को बाईं तरफ से दायां करके पीछे ले लो, वहीं से सब भाग निकलेंगे। ठीक से निशाना लगा के बीच वाले आदमी के पैर पकड़ ले तभी बचेंगे। ये ठीक कह रहा है, पहले यहाँ से बच के निकलने के बारे में सोचो। शेर की कहानी में तू शेर है, ये साबित कर दिया तूने मगधीरा।
बाप रे, सबको मार के भगा दिया? इतनी ताकत है तुझमें, फिर कल क्यों तूने उसके पैर पकड़े? पवन मल्ली के लिए चाहे पूरी फौजी क्यों ना जाए, मार मार के खत्म कर दूंगा। लेकिन वहाँ गांव में सब लोग हमारे भरोसे बैठे हैं, थोड़ा बहुत तो झुकना ही पड़ता है। वीरता का दूसरा नाम है सहन शक्ति, उसको अगर कोई डरपोक का नाम देता है तो मैं क्या कर सकता हूँ। अब बात यह है कि भाग्यनगर की बेटी होने पर शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, मूछो वाले आदमी वहाँ भी है। अब चलो ना यार, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई तारिका, अब हमारी शादी की तैयारियां बड़े जोश में करेंगे और सब कुछ झटपट निपटा लेंगे। माँ, ओ बेटी, अच्छी हो माँ। पिताजी, माँ, रास्ते में बड़ी मुसीबत आई, लेकिन मगधीरा ने हमें बचा लिया। हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं बेटा, ये तो मेरा कर्तव्य है। आप पिताजी, क्यों भाई, क्या हुआ? अरे कुछ बोलोगे? हमें बिल्कुल भरोसा ही नहीं हो रहा है। आपके भेजे गए वेताल लोग सच्चे वेताल से भी बढ़कर निकले। हुई ना बात, क्या अभिनय किया, क्या अभिनय किया, क्या युद्ध किया, यहाँ से वहाँ उड़ रहे थे। गदीरा, तुझे लड़ते हुए देखकर तेरी दिलेरी पर पवन मल्ली तुझसे प्यार करने लगी होगी ना? प्यार तो करना ही चाहिए। बिल्कुल करेगी, नहीं तो एक और बेताल के साथ लड़ाई की तैयारी कर लेंगे। ये बताओ आगे क्या सोच रहे हो? उत्तर पूजा। प्रणाम मुखिया जी, कैसे हैं आप? हाँ, मैं ठीक हूँ बेटा। वैसे आज ठंड बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, इसीलिए तो इस ठंड का मजा लेने के लिए। मैं कुछ समझा नहीं। कुछ नहीं, बस आपकी बेटी को लेकर पहाड़ी पे मैं जाने की सोच रहा हूँ। ये कैसा मजाक है? मजाक? मौसम अच्छा है, खेलने की सोच रहा हूँ। बचपन की बात कुछ और थी, अब वो बड़ी हो गई है। मल्ली, चलोगी क्या? बस ऐसे ही घूम के आते हैं थोड़ा। सुनो बेटा, अब तुम जाओ यहाँ से, समय बर्बाद मत करो। मेरी बेटी हद पार करके एक कदम भी बाहर नहीं रखेगी, समझे तुम? ओ सुनिए, उधर देखिए ना। क्या है ये? अब पिता की बात का क्या मान रह गया? मैंने कब पिताजी की बात टाली है माँ? तभी तो दरवाजे से एक कदम आगे नहीं बढ़ाया, पीछे से आई हूँ। चलो माँ। पवन मल्ली। कल आपने कैसे पहचाना कि मैं ही पवन मल्ली हूँ? तुम्हारी आंखों से। बचपन में जब मेरी बहन मरी थी, इन्हीं आंखों ने आंसू बहाए थे मेरे लिए। कुछ तो है इन आंखों में, कुछ अलग। मेरे पिताजी उस टेढ़े कुमार के साथ मेरी शादी करने की जल्दबाजी कर रहे हैं। जब तुम परदेश में थी तब से तुम मेरे दिल में हो, अब तुम्हें कैसे किसी के साथ शादी करके जाना? Thank you.
भी है। पिछले जन्म में शायद मैंने कुछ पुण्य किए होंगे। तारक मंगल से मेरी शादी पक्की हो गई है। अचानक कैसे दूल्हे बनने वाले हो? पूरा चेहरा खिल गया। और एक बात का ख्याल रखना पड़ेगा, तुम्हें मेरी शादी सामने खड़े रह के करवानी पड़ेगी। धूमधाम से करेंगे। और मेरी सुहागरात? अरे वो सब मेरे सामने मत करना, बेकार। अरे जल्दीबाजी मत करो यार। वो क्या है कि तुम अभी जवान हो, अपने होने वाली बीवी को किस तरह खुश रखोगे, ऐसे विचार तो तुम्हारे दिमाग में उछल कूद करते ही रहते होंगे ना। उनमें से तीन बातें इस भाई को भी बता दोगे तो सीधा तारक के पास जाऊंगा, अपना काम बना लूंगा मजे से। नहीं बताओगे तो एक सीधी बात पूछूं क्या तुमसे? हाँ पूछो। सुहागरात में खासकर दूध और फल की जरूरत पड़ती है ना? क्यों भाई हंस रहे हो? फल और दूध तो चाहिए, क्योंकि तुम्हारे अंदर ताकत होनी चाहिए। मेरी कमल की फूल, इस सुहागरात के लिए कितनी रातों से इंतजार कर रहा हूँ। तारा बहना, तुम्हारी सुहागरात में मैं टपक पड़ा हूँ, कैसा लगा? ए, तू तो बहुत ही बेशरम है। तुझे कितनी बार कहा इसे बहना नहीं बुलाना? अगर इसके नजदीक भी दिखाई दिया तो तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। चल निकल यहाँ से। अबे चल। अरे चल। मेरे तीन बच्चे होने तक अपना ये मुंह मत दिखाना तू मुझे। तो चौथे के बाद आ जाऊँ क्या? चल, चल। हर बात पे गुस्सा क्यों? दामाजी क्या हुआ? क्या हुआ? ये सुहागरात वाले कमरे में घुसा है। एक छोटा बच्चा अगर पढ़ाई वाले कमरे में घुस गया और वहाँ कुछ उल्टा सीधा देख के डर गया तो उसके माँ बाप को क्या जवाब दूंगा? बहना मैं चलूँ? बहना वापस बताना। ससुर जी, आप सासू माँ को लेकर उस तरफ जाइए, मैं आपकी बेटी तारक मंगल के साथ। क्या हो गया जी? एक बिल्ली तो गई है, कोई हाथी थोड़ी गया जो चिल्ला रहे हो। बात नहीं है दामाद जी, सुहागरात के दिन पैरों के बीच में से अगर बिल्ली चली जाती है तो वो बड़ा अपशगुन माना जाता है। ये कोई मामूली बात नहीं है। चलो बेटी। ससुर जी, ससुर जी। ओफो, एक बिल्ली ने रास्ता काट कर मेरी पूरी सुहागरात खराब कर दी। अब मैं क्या करूं भगवान? ओहो, बिल्ली जब इनके पैरों के बीच से निकली थी तब शुक्र चौथे स्थान में था, चौथे स्थान में होने वाला मंगल सातवें घर में था। चाहे कुछ भी हो, अब तीन दिन तक सुहागरात नहीं मना सकते। क्या कहा? तीन दिन? अरे माँ बाबू, अब मैं क्या करूँ माँ? सुनिए, कोई और रास्ता नहीं है क्या? मेरा बेटा बहुत जल्दी मचा रहा है। जल्दी ना मचाओ तो क्या करूँ बाबू? तुम यहाँ इतने उछल कूद कर रहे हो तो वहाँ जाकर क्या करोगे? पापा तो मैं बहुत जोरदार करूंगा। ये बात उसे कहनी चाहिए। अरे सुनो ना, हर काम के लिए कोई ना कोई तोड़ होता है, इसके लिए भी कोई तोड़ तो होगा। आप बताइए, मैं झट से पूरा कर दूंगा और अपना काम निकाल लूंगा। इसका तोड़ ही चाहिए ना? नहीं है। दामाद जी, अब तीन दिन के बाद ही स्वागत होगी, कुएं का पानी कोई चुरा के नहीं ले जाएगा। जरूरत पड़ी तो मैं सिर्फ एक बाल्टी पानी ले सकता हूँ क्या ससुर जी? एक बाल्टी, एक लोटा भी लोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अबे हट, काम खराब कर दिया। आसमां हंसने लगा है, बाहों में खसने लगा है, बांसुरी बजने लगे है, कैसी ये परियों की टोली, कैसी ये रंगों की रंगोली, कैसा ये हवा में गीत है, अरे कैसी तेरी मेरी प्रीत है, अरे कैसी मेरी तू मन मीत है, अरे कैसी तेरी मेरी हार है, अरे कैसी तेरी मेरी जीत है।
मेरी माँ जैसी इस महान नदी को छूकर प्रणाम करते हुए मैं तुम दोनों को प्यार के बंधन में बांधता हूँ। मगधीरा, ये सब क्या है? अचानक तुम दोनों शादी करके मेरे सामने आ गए? हाँ, ठीक है, ये तो खुशी की बात है। गांव वालों के सामने आज शाम को ही इसके पिता से बात करके बात पक्की कर लेते हैं। हाँ? आपका आशीर्वाद चाहिए हमें। और मगधीरा, अपने नंदनवन के भगवान को 9 फूल चढ़ा के मन्नत पूरी करनी होगी। जैसा आप चाहें। आते वक्त रास्ते में 4-5 वेतालों को देखा था। हाँ, तो क्या हो गया? ओहो, वो सचमुच के वेताल ही। आज से कोई भेष नहीं बदलेगा, तुम्हारे पिताजी ने कहा था। क्या कह रहे हो तुम? मगधीरा, मगधीरा, कुछ वेताल गांव में घुस के सत्यानाश कर रहे हैं, जल्दी आओ। मल्ली को वेताल किले में उठा के इस तरफ ही उठा कर ले गए हैं मगधीरा। कोशिश की और बहू को मैं बचा नहीं पाया। उनको छोड़ना मत बेटा, छोड़ना। मुझे मुझे तुम्हें एक एक रहस्य की बात बतानी है। पहले आप थोड़ा पानी पीजिए। आपको छोड़ के चले गए बाले। ऐशियानाथ था मैं, सगे बेटे की तरह पाल के खुश रखा मुझे। आपका बेटा बन के मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर सका। जो आपने प्यार से मुझसे मांगा, मैं आपको जिंदा रहते भी नहीं दे पाया। आपकी अंतिम इच्छा पूरी नहीं कर पाया। पिताजी मरने से पहले कोई बात बताने वाले थे, वो कौन सी बात है? क्या किसी को पता है? हमें नहीं पता मगधीरा। सरकार के मरने के बाद अब तुम ही हमें रास्ता दिखा सकते हो। पता नहीं पवल मल्ली को क्यों उठा कर ले गए हैं। गुलामी की जिंदगी जी रहे हम लोगों को और मेरी बेटी को
अब तुम ही बचा सकते हो मगधीरा। पहले से ही तुम्हारे पिता भेष बदलने में बहुत माहिर थे। तुम भी अपने पिता की तरह वेताल का भेष बदलकर वेताल किले में जाकर जीत हासिल कर सकते हो बेटा। सुनो मगधीरा, आज से तुम ही हमारी सरकार हो, ये काम तुम ही कर सकते हो। अपने आप पे भरोसा है मुझे, लेकिन हम आम इंसान की शक्तियां सीमित हैं, हम उनसे कैसे जीत पाएंगे? उसके लिए मेरे पास एक रास्ता है। ये कोई साधारण दवा नहीं है, जहां आज तक मनुष्य के कदम नहीं पड़े। वैसे अद्भुत गुफा से निकाले गए जड़ी बूटी का रस है इसमें, और इसको पीने से रक्त की गति बहुत तेज हो जाती है, पूरा बदन फुर्तीला हो जाता है और एक अजब शक्ति का संचार होता है। और इससे जो शक्ति मिलेगी वो शक्ति उन बेतालों की शक्ति के बराबर होगी, और हम भी उनकी तरह हवा में ऊपर उड़ सकेंगे और पूरी शक्ति से लड़ सकेंगे। परंतु एक छोटी सी समस्या है, अभी मैंने जो ये दवा बनाई है इससे कोई 8 निमिष तक ही बेताल बनकर रह सकता है, और अवधि समाप्त होते ही वो साधारण मनुष्य बन जाता है। इसे पीकर देखो। बेताल समझकर उड़ने की कोशिश करो, ये तुम कर सकते हो, ऊपर उड़ सकते हो। उठो, नामुमकिन अगर कुछ है तो वो है कोशिश ना करके देखना। आपने शक्ति की दवा तैयार करके साबित कर दिया कि सब कुछ मुमकिन है। मगधीरा, वेताल किले में घुसना कोई आसान काम नहीं है। उससे पहले तुम्हें मच्छकूडर नाम के एक बुजुर्ग से मिलना होगा, सिर्फ वही वेताल किले के बारे में सारा रहस्य बता सकता है। कहते हैं वो 180 साल का है। 180 साल? एक और बात, उत्तर में कांगनी नाम का एक और वेताल देश है, वहीं से 5 साल में एक बार वैद्य लोग दवा बनाकर किले में ले जाते हैं। वेतालों को बार बार खून की बीमारी होती है, जिसके लिए वही दवा काम आती है। इसका क्या कारण है कोई नहीं जानता, लेकिन इस बार 8 साल से वहां कोई नहीं गया। इसलिए तुम लोग एक काम कर सकते हो, कांगनी देश से दवा लेकर आए हो ये कहकर वेताल किले में आसानी से घुस सकते हो। तुम अपनी मदद के लिए किसी को भी साथ ले जा सकते हो। दोरंगी और सामा मेरे साथ चलेंगे। हाँ, क्यों नहीं? इसने तो कहा था मुझे प्यार करना सिखाएगा, लेकिन लगता है अब कल होने वाली मेरी सुहागरात को भी नहीं होने देगा। ठीक है, सब लोग जल्दी जाके सो जाओ, सुबह जल्दी से उठना है। अब मैं उठूं या ना उठूं क्या फर्क पड़ता है, सुहागरात तो नहीं होगी ना। नहीं, क्या होने वाला है। Sing, 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 sing
कुछ नहीं, घोड़ा आगे नहीं बढ़ रहा है, शायद किसी को देख के डर गया। क्या देखा होगा इसने? क्या हुआ मगधीरा? गांव के बुजुर्गों ने कहा था ये नजर न आने वाले पोनों का इलाका है, इस पहाड़ी इलाके को हमें जल्द पार करना होगा। नजर न आने वाले बोने किस तरफ होंगे? तो अभी चारों तरफ घूम के उन्हें प्रणाम कर लेते हैं। प्रणाम सरकार, प्रणाम भैया जी। मुझे एक संदेह है। क्या है? ये नजर न आने वाले बोने कपड़े पहनते हैं क्या? बोने हैं, किसी को नजर तो आएंगे नहीं, इसलिए कपड़े उतार के घूमते होंगे। तब तो लड़कियां भी क्या ढूंढ रहे हो? ए बेताल, किसे चालाकी कर रहे हो? राजा के साथ तीर छोड़ो। अब सब लोग तीर छोड़ो। अब मैं अपना निशाना दिखाता हूं। ए चक्रवर्ती राजा को तो मौका दो। बाप रे, तीर लगा क्या? मैंने जानबूझ कर ही बाजू में था। क्या ताली बजाओ। देखो बेहोश हो। तुरंत पहुंचना है। मुक्ति मुक्ति। अब और इंतजार मत करो, हम बौने लोगों की दुनिया को खत्म करने आए इन बेतालों को और बोलने वाले पक्षी को जहरीले कीड़ों से कटवाकर मार डालने का हुक्म देता हूँ। पापा रुक जाइए, उस बेताल की आंखों को देखकर मुझे नहीं लगता कि वो बुरा आदमी है। उनसे पूछताछ करने के बाद सजा दे सकते हैं ना? घुमाना बंद करो, उन बेतालों का सिर्फ मुंह खोलो। बोनों के राजा जी, हम वेताल नहीं है, वेताल के भेष में हम तीनों साधारण मनुष्य हैं। हम वाग्य नगर से आ रहे हैं और मेरी सपनों की रानी पवन मल्ली को वेताल उठा के ले गए हैं। ये कैसा अन्याय है? बस उसे बचाने और अपने गांव की मिट्टी और अपने गांव को बचाने के लिए हम उस वेताल किले को ढूंढने जा रहे हैं। ये बात है। सिपाही, उसके दांत निकाल कर देखो। अच्छा हुआ बेचारों को हमने मारा नहीं। पहले इन तीनों के बंधन खोल दो। शाबाश बेटी, शरीर के मुताबिक ही दिमाग है। कीड़े मकोड़े जैसे हैं और क्या नाच नचा रहे हैं। मैं हूँ बौने लोगों का राजा कॉर्क न्यूटन, और ये है मेरी बीवी फ्लेमिंग सुंदरी, और ये मेरी इकलौती बेटी आइंस्टीन कामाक्षी। बेताल लोग हम बौनों के भी दुश्मन हैं। जब वो सोमरस पीते हैं तो हमें लकड़ियों से चुभो चुभो कर मजे लेकर खाते हैं। राक्षस है वो लोग। हमारी जनसंख्या कम होने का कारण वही लोग हैं। ठीक है, हाँ बोलिए दोस्तों, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? वेताल किले में जाने के लिए रास्ता जानना चाहता हूँ। वो नाम क्या है उनका? मच्छकोटे। नहीं, मच्छकूड़न। हाँ, वही मच्छकूड़न से पहले मिलना होगा। हम उन्हें अच्छी तरह से जानते हैं। जानते हैं? वो भविष्य बताते हैं। किले के अंदर जाकर बाहर आने का रास्ता उनको छोड़कर और कोई नहीं बता सकता। हाँ बिल्कुल, वही चाहते हैं। उनसे हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है।
हाँ, एक काम करता हूँ, हमारे उड़ने वाले दलपति अल्बर्ट को और काट खाने वाले दलपति पीटर को आपके साथ भेजता हूँ। जी आपका शुक्रिया राजा जी। पापा मैं लड़की हूँ इसलिए आपने मुझे युद्ध में हिस्सा नहीं लेने दिया, लेकिन इन वीरों के साथ मैं युद्ध में जाऊंगी, कृपा करके मुझे अनुमति दीजिए पापा। मेरी बेटी कामाक्षी भी तुम लोगों के साथ जाएगी। धन्यवाद जी। अल्फा बीटा कामा, जंग जीत कर ही वापस आना। हाँ क्या महाराज। बीटा यही है उस बुजुर्ग मच्छकुडन का घर। सरकार 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 अरे ये क्या, ये घर हिल क्यों रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है। प्रणाम जी। सरकार मैं कोटकर न्यूटन की बेटी कामा हूँ, इनका नाम मगधीरा है, ये मुसीबत में है, आप अगर मदद। मगधीरा सिर्फ तुम मेरे पास आ जाओ। रास्ता मिलेगा। नाम बदलोगे तो ताकत मिलेगी। अरे जल्दी जल्दी लिखो ना। हाँ हाँ लिखो, जल्दी लिखो। यमन बिस्तर पर किला हमारा, किला हमारा। डराने पर पेशाब करो। मतलब पेट में गड़बड़ हुई तो लोटा देके बाहर भेजेगा क्या? सूर्य छुपेगा तो छड़ी तोड़ो। सूर्य छुपेगा छड़ी तोड़ो। ये सब अगर तुम सही तरीके से करोगे तो जीत की उम्मीद होगी। उम्मीद होगी, जीत होगी, क्या होने वाला है? इससे अच्छा होता कि ये कछुआ अपना मुंह ही ना खोलता। दोरंगी, बुद्धू ज्यादा बोलता है तो उसका अर्थ कम निकलता है, बुद्धिशाली कम बोलता है तो उसका अर्थ ज्यादा निकलता है। हाथ हटाओ। कम बोल सकते हैं लेकिन इस पागल जैसे, इस दुनिया में कोई पागलों जैसी बातें करता है क्या? जो देखो मन लो। उसके गंगे सर पर थूक भी नहीं दिख रहा है। फिसल कर ऊपर आ रहा है। बक बक करके थुकवा लिया ना। भैया अब आपका नाम इतिहास में लिखा जाएगा। आज तक भालू का थूकना तो सुना है पर पहली बार किसी कछुए ने आप पर थूका है, मुझे आप पर गर्व है। कैसे पार करेंगे? चिंता की बात तो है भाई, इसे पूरा बना के जाने में कितने साल लग जाएंगे? एक विचार आया है, सूरा हमें उड़ा के ले जाए तो कैसा रहेगा? हमें तो उड़ा के ले जाएगा लेकिन इन्हें कैसे ले जाएगा? नीचे गिर गए तो अंतिम क्रिया करने के लिए हड्डी भी नहीं बचेगी। ऐसे डराने के लिए तुम हमारे साथ हो ना? पत्थर डालो रास्ता मिलेगा, पत्थर डालो रास्ता मिलेगा। ये क्या कुछ खरगोश वरगोश ढूंढ रहा है?
माताओं के चक्कर लगाने जैसे चक्कर लगा रहा है। मगधीरा को चक्कर लगाते देख हमें भी चक्कर आ रहा है। हैं? अगर मेरी सोच सही है तो इस बड़े से पत्थर को ले जाके उस गड्ढे में डालना है। तुम कर सकते हो, तुम में ताकत है, उठाओ। शाबाश शाबाश। मगधीरा, पहले इसे उठाओ, इसके द्वारा हमें रास्ता पता चलेगा। कामा, तुम पुस्तक निकालो। देखो देखो देखो। अरे ये देखो, इसमें लिखा है इसकी पीपी बना के फूकेंगे तो हवा निकलेगी। तुम मेरा मुंह मत खुलवाओ। देखो, पीपी बना के फूकने से खरा मेंढक आएगा और हमें रास्ता दिखाएगा। ये क्या भाई, मनुष्य ही रास्ता दिखाता है या मेंढक भी रास्ता दिखाएगा क्या? यही रास्ता मनुष्य दिखाए या मेंढक, क्या फर्क पड़ता है? और जोर से फूको ना भाई। वो देखो, हरे रंग का मेंढक। हरा मेंढक पीपी बजाते ही आ गया है। तो हमें घूरना है। अरे हाथ तो दो। अरे भाई मगधीरा, बिना शर्माए उस मेंढक से रास्ता तुम पूछो भाई। वेताल किले तक हमें कैसे जाना होगा? ए मगधीरा, उसे डरा के भगा मत देना। देखो यहाँ पर ऐसा लिखा है कि एक हरे मुंह वाला मेंढक आएगा, और अगर कोई ऐसा आदमी जो ब्रह्मचारी हो और एक पत्नी व्रता भी हो, और अगर वो उस मेंढक की पीठ को अपनी जीभ से चाट कर उससे रास्ता पूछेगा तो वो मेंढक उसको रास्ता बताएगा। अरे बाप रे, ये क्या सब लोग मेरी तरफ ही घूर रहे हैं? तारक मंगल से मजा करने का समय आया और ये लोग मुझे इस मेंढक को चाटने के लिए बोल रहे हैं। अब इतना भी मत सोचो, चाटो। क्या है? चाटो भाई। अरे जल्दी चाटो ना। अब चुप कर। ये कोई मंदिर में मिलने वाला पंचामृत है कि जिसे झट से चाट जाऊं? सांप खाने वाला मेंढक है ये। सांप को गुस्सा नहीं आएगा भाई। देर ना करो, जल्दी चाटो। अरे चाटो भाई चाटो। तारिका, अरे वो हरे मेंढक, बताओ बेताल किला कहाँ है? ये तो इस तरफ दिखा रहा है। अच्छा, इस दिशा में है क्या? अरे मेंढक ने तो कमाल कर दिया। We'll be right back.
कौन है? कौन है तू? राजकुमारी के साथ क्या किया तूने? ये राजकुमारी? बता तू कौन है रे? जब राजकुमारी पर चीते ने हमला किया तब इमली तोड़ने गया था क्या? अरे वो दलपति हैं। काले चीते से मुझे बचाना है। मैं वेताल जिले का दलपति जल तरंग हूं। बाघों का शिकार करना ही मेरा काम है। तुम लोग? हम उत्तरी हिमालय में जो कांगनी देश है ना, वहां से आ रहे हैं। वेताल है, देखिए हमारी आंखें। मैं उस देश का वैद्यराज हूं। वैसे तो मैं बाघ को पकड़कर उससे दवा बनाता हूं। बाघ को मार कर नहीं, जिंदा बाघ के दूध से। जल तरंग को ही बाघ के दूध की दवा? सिर्फ आपके लिए नहीं है, वेताल के लेके सारे समूह के लिए लाया हूं। आगे ये बाघ की दवा कैसे काम करती है बस देखते जाइए। तो फिर मैं ही आज तुम्हें किले में लेकर जाऊंगा। अगर आप हमें नहीं ले जाएंगे तो भी आ ही जाएंगे। पूरी छानबीन कर ली है। बोरी में सिर्फ दवा बनाने की जड़ी बूटियां और बीज हैं। वैद्य को औजार की क्या जरूरत? वहीं रख दो इसे। तुम्हारी शक्ति की दवाई तो उन्होंने ले ली, अब तो हम बिना जहर वाले सांप जैसे हो गए हैं। जब मैदान में उतर ही गए तो जो होगा देखा जाएगा। इतना बड़ा है मगधीरा, तुम हंसते हुए बोलो तो ठीक रहेगा। क्या कह रहे हैं? मौत भी सामने आ जाए तब भी मुंह पे डर नहीं दिखना चाहिए, ऐसा वो कह रहे हैं। तब तो हमें कुछ भी नहीं करेंगे। इधर कौन है? महारानी या जादूगरनी? ये लोग कहां से आए हैं? रानी तुम्ही से पूछ रही हैं। वो क्या क्या है कि कांगिनी देश से हम तीनों दवाइयां लेके आए हैं। रानी मैं वैद्यराज हूं मगधीरा। यहाँ रक्त प्रभावी बीमारी से हर महीने 3 लोग मर रहे हैं। आप इतने आराम से आ रहे हैं? आते वक्त रास्ते में पेट गड़बड़ हो गया था। चुप रहे। महल में इधर उधर घूमती हुई दिखाई दे रही है। होली है वैद्यराज। राजकुमारी के साथ आते वक्त बाज पहाड़ पर इनसे मिले थे। काले
हमारे चीते से राजकुमारी को बचाने वाला राजकुमार यही है क्या? सुना है हमने। धन्यवाद। अब क्या हुआ? बोलो, इतनी देर से क्यों आए? रानी, हमारे कांगिनी देश में तूफान आया, इसलिए जड़ी बूटियों के पौधे खराब हो गए और हमें देरी हो गई। दवा तैयार करने में आपको कितने दिन लगेंगे? कोई कहानी बना दे भाई। यमन रानी, पहले जड़ी बूटियों को उबाल कर छानना होगा और फिर वापेरी के पत्तों को सुखाकर पीसना होगा। ये सब हम नहीं जानते। दवा हमें कब मिलेगी? वो मैं 3 दिनों में तैयार कर लेंगे। उस दवा से सबकी बीमारी ठीक हो जाएगी, ये साबित कर सकते हो। क्या हुआ? बोलती क्यों बंद हो गई? बिल्कुल बीमारी चली जाएगी, ऐसी दवा बनाएंगे। ठीक है, आप लोग थोड़ी देर आराम करके अपना काम शुरू करना। बहुत बहुत धन्यवाद यमन रानी। इस मुसीबत से हमें कैसे छुटकारा मिलेगा बताओ भाई? हमें खुद ही कुछ करना पड़ेगा। ज्योतिष का क्या कहना है बेटा? दक्षिण से अच्छी खबर आने वाली है, ऐसा ज्योतिष का कहना है। अच्छी खबर? हमारा सूरा है ये तो भाई। अरे यार, ऊपर तो अल्फा बैठा है। मेरी दवा मिल गई। आखिर हमने दवा ढूंढ निकाली ना। शक्ति की दवा देखते ही मेरी जान में जान आ गई भाई। सूरा, अल्फा। अरे कुकुदी मत करो, शर्म आती है भाई। कोशिश करके शक्ति की दवा को बदल दो। हमारी जो दवा है उसे कहीं और छुपा के उसकी जगह पानी भर के रख देते। मगधीरा, सूरा और अल्फा जब दोनों दवा लाने के लिए गए थे तो उन्हें वहाँ से ही खबर मिली है। क्या खबर है? वाग्य नगर से जो वो लड़की उठा के लाए हैं उसकी वो पूजा में बलि देने वाले हैं। पवल मल्ली कहाँ होगी? जादुई छड़ी के आग की आंच महसूस हो रही है रानी। ये कोई साधारण छड़ी नहीं है, 17 जानों से भरी शक्तिशाली जादू की छड़ी है। अब बस 2 ही दिन बचे हैं हमारे पास। हमें मिलने वाला है अद्भुत खजाना। पे जो है वही कारागार लगता है। इस तरह कांपते चलते हुए मुझे तो पूरा किला ही कारागार लग रहा है। इसमें अलग से भी कारागार होगा क्या? बातों से मत डरो मुझे। भैया, महारानी की 4 बेटियां हैं क्या? इनमें से सिर्फ एक ही राजकुमारी है, बाकी तो सब दासियां हैं। मगधीरा के हाथ दिखा
खाते ही एक आंख वाला दानव रुक क्यों गया? कुछ समझ में नहीं आया। आपने इतने बड़े राक्षस को कैसे रोक लिया? अगर आप जैसी सुंदर लड़की बगल में हो तो बड़ी से बड़ी मुसीबत में भी हिम्मत आ जाती है। माँ, मैंने तुम्हें क्या कहा था? दवा नीचे है, उसके ऊपर सिर्फ पानी है, ये बताया था ना मैंने तुम्हें। उसे देखते ही दवा पी लो ये कहता रहा मैं तुमसे, और तू ऊपर वाले में से पानी पी के उस दानव के सामने छाती फाड़ कर खड़ा हो गया। हाँ भाई, मैं भी भूल ही गया था। तो मैंने सिर्फ पानी पिया था क्या? और नहीं तो क्या? तो फिर वो मेरे हाथ दिखाते ही रुक कैसे गया? ये तो सिर्फ वो एक आंख वाला ही बता सकता है। नमस्ते राजकुमारी जी। नमस्ते महावीर जी। अरे कितनी सुंदर है ये, हमारे इलाके में एक भी ऐसी नहीं है। क्या देख रहे हैं आप? मेरे कपड़े पसंद आए? सच कहूं तो मुझे कपड़े पहने हुए नजर ही नहीं आ रहे। क्या कहा? अब तक जो सह रहे हैं वो काफी नहीं है क्या? आप गलत मत समझिएगा राजकुमारी जी, आपकी सुंदरता ने मेरी आंखों पे पर्दा डाल दिया था, बस यही कहना था। ठीक है, दावत पे आ जाइएगा, चलती हूँ। बेताल किले की यमन रानी के साथ आप भोजन पर आए, हमें बहुत खुशी हुई। भोजन शुरू कीजिए। वहां से सब्जी लेनी होगी तो यहाँ से वहां तक घोड़े पे बैठ के जाना पड़ेगा। अरे वो छोड़ो भाई, वहां देखो उस मगरमच्छ को, कैसे लंबा लिटा रखा है, मरा हुआ है लेकिन फिर भी मुझे डर लग रहा है। बेकार की चीजें खाकर पेट खराब मत करो। उड़ने के लिए। हम भी उड़ने के लिए उनकी तरह करें क्या? मेहमानों के साथ मिलकर खुशी बांटना हमारा सांप्रदाय। आओ टकराते हैं उड़ने के लिए। अरे भाई तुम उड़ना चाहते हो तो हमें क्यों नहला रहे हो? यमन रानी से मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। 56 गांवों पर राज करना कोई आसान बात नहीं है। हाँ बिल्कुल, मेरी प्रजा है वो और मैं उन्हीं के लिए बनी हूँ। बड़ी खुशी की बात है रानी। तुमने सोचा होगा मैं ऐसा करूंगी? इस बेताल के लिए मैं रहने वाली मेरी जाति के लोग ही मेरी प्रजा है। क्या हुआ, चुप क्यों हो गए राजकुमार? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कांगिनी देश में भी हम वेताल ही मालिक हैं, बाकी साधारण मनुष्य तो हमारे गुलाम है। गुलाम? सही कहा। आने वाले महफिलों पे छाने वाले।
बातचीत की बहती धारा अंबर का सैयारा अगर जो मैं हारा दुनिया मिट जाएगी। क्या कोई हजूबा तू है जो शान में डूबा तू है पास अगर आया हस्ती मिट जाएगी। पेपर बदलाते किस्मत लाते मुझको न जाने का ख्याल न कर। रास्ते वाली बात पूरी हुई और दूसरा है नाम बदलोगे तो ताकत मिले। अरे वो तो एक जेब में रखने वाली चीज है। मैं कुछ नहीं जानता। उससे तेरा मेल नहीं हो सकता। मेरी बात मुझे वो चाहिए। यमन बिस्तर पर किला हमारा। यमन के बिस्तर पर सोने से किला हमारा मतलब यमन रानी के बिस्तर पे सो जाने के बाद यानी जब वो सो जाएगी ये किला हमारा हो जाएगा। ये कैसा अन्याय है। इससे तो अच्छा होता कि मैं बेताल के हाथ ही लग जाता। पुदीने की चटनी समझकर चाट लो ना भैया। अरे मेंढक जी पवल मल्ली कहाँ है। ये क्या ऊपर की तरफ दिखा रहा है। ओहो पवल मल्ली बेचारी ऊपर चली गई क्या। अरे वो बुद्धू क्या बोले। किले के ऊपरी भाग में है कुछ समझा क्या।
निमिष पूरे हो गए हैं और अभी तक मगधीरा का कोई पता नहीं। किसी मुसीबत में फंस गया होगा। शादी के दिन पंडित जी ने कहा था सब मंगलमय ही होगा। अब तो लगता है मेरी तारक मंगल कभी माँ नहीं बन पाएगी। ओ दोरंगी, मंगला मरेगी तो माँ नहीं बनेगी, लेकिन तेरे मरने के बाद भी वो माँ बन सकती है। चुप कर काले कलूटे। हाँ ठीक है ठीक है। शुरू से ही तेरी चाल चलन पर मुझे शक था। सच पता कौन है तू? किस मकसद से इस वेताल किले में आया है? जवाब दे। आठ निमिष पूरे हो गए क्या? कुछ नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे मेरे मजाक को तुमने सच मान लिया। मगधीरा एक मारने से ही गिर पड़ा। वो बेताल जाति का है या नहीं मुझे शक हो रहा है। कल सुबह पूरे गांव वालों के सामने उसे बलिपीठ पर ले आई। की दवा दे दी ना। दवा का असर शुरू होते ही मगधीरा जो कमाल करेगा उसे देखना। वैद्य राजकुमार मगधीरा, तुम एक वैताल हो ही नहीं, ऐसा शक मुझे हो रहा है। मैं वैताल हूँ या नहीं ये सिर्फ विचार विमर्श से पता नहीं चलेगा, वीरता से ही साबित होगा। भेज कर देखिए अपने वैतालों को। पिघलते बर्फ हो मगधीरा, और ये शनि तुम्हें जकड़ लेगा। प्यार के मामले में पिघलता बर्फ हो, बदले के मामले में शेर पुली। Yeah!
तो तेरे शरीर में है लेकिन बुद्धि की कमी है। जब हार गया तभी मर गया। रानी को मुझ पे कोई संदेह नहीं है, बस ये बीच के लोग हैं जो मुझ पे संदेह कर रहे हैं। अब बोलिए मुझे किसके साथ लड़के साबित करना है? तुमसे लड़के साबित करूं या तुमसे लड़के साबित करूं? अब बस भी करो ना। बोलिए, मैं किसी से भी लड़ सकता हूं। तुमसे लड़ूं या तुमसे लड़ूं? अरे ये क्या कर रहा है, खत्म हुई कहानी को फिर से शुरू कर रहा है। कोई जो मुझसे लड़ना चाहे हमें साबित करके दिखा सकते हो। बिल्कुल नहीं रानी। अरे जी क्या है, दवा का असर शुरू होके 8 निमिष पूरे हो गए हैं। तब तो हमारा शनि शुरू हो गया। एक बेताल की तरह लड़के तुमने जीत हासिल की। ये पहला पड़ाव था, मगर यहाँ के कानून के मुताबिक तुम्हें पार करनी पड़ेगी अकेले बेताल की परीक्षा। रानी से बात करने में समय बर्बाद हो रहा है। अगर तुम इसमें जीत गए तो मैं बेशक मान लूंगी तुम एक बेताल हो। यही है असली वेताल साबित करने की गुफा। सुराई ये दवा ले जाकर तुरंत उसे दे। इसमें वेताल एक तरफ से जाकर दूसरी तरफ से आता है। एक वेताल का शरीर ही इस गर्मी को सह सकता है, लेकिन मनुष्य का शरीर इस गर्मी को सह नहीं पाएगा। देखोगे। ध्वनि सुनाई दे रही है। मुझे तो वो भी नहीं सुनाई दे रही। क्यों भैया? क्योंकि मैं पहले से ही अपने आप को मरा समझ। Oh,
बेटी राजकुमारी मंतागिनी की शादी महावीर मगदेरा के साथ करने का मैंने फैसला किया। मुहूर्त निकाल कर हम ऐलान करें। मगधीरा वेताल परीक्षा में भी बच निकला इससे पहले कि किसी को पता चले। मगधीरा को खत्म करना होगा। वो भयानक दरिंदा कहाँ है? बहुत रो रहे हैं ना? देखो हमारा मगधीरा उठ रहा है। शुक्र है धीरे धीरे उठ रहा है वो। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि बेताल परीक्षा में मैं मरा क्यों नहीं। मैं क्या जानू मगधीरा, वेताल किले का धोबी तुमसे अकेले में मिलना चाहता है। ये पत्ता तुम्हारे बिस्तर में पीठ की तरफ मिला। ये तो मैं बचपन से खाता आ रहा हूँ। जानते हो ये पत्ता क्या करता है? तुम्हारे शरीर में जो बेताल शक्ति है उसे रोकते हुए बाहर से एक साधारण मनुष्य का रूप देने वाली अद्भुत जड़ी बूटी है। मतलब मैं भी एक बेताल हूँ क्या? बिल्कुल, तुम एक बेताल हो। तुम्हारे पिता कौन है पता है? देव नंदन 56 गांवों के लिए भला करते हुए आए थे, लेकिन उनसे एक ही गलती हुई थी पता है? वो थी उस जल तरंग को दलपति बनाना, और उस दिन से उसने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। ये सब महाराजा और यमन रानी की आंखों में धूल झोंक कर करते लगा। पतंग बना के उसकी डोर जल तरंग ने अपने हाथों में रखी। सिर्फ इतना ही नहीं, जल तरंग के इस खेल में विधि भी उसके अनुसार घोर तांडव नृत्य करने लगी। श्राप पाने वाले मनुष्यों में से सुरभि एक है क्या? इसलिए वो बोलता है। तुम्हारे माता पिता को काले चीते ने मार दिया ये कह के जल तरंग ने नाटक किया। सत्रह साल से बिना कोई रुकावट के वो बलि पूजा करते आया है, और ये 18वां साल है। कल सूर्य ग्रहण है, आखिरी पूजा है। मगधीरा, तुम्हें उस पूजा को किसी भी तरह रोकना होगा। पूजा अगर सफल हुई तो पूरी मानव जाति उसके चंगुल में फंसकर मिट्टी में मिल जाएगी। इसे सिर्फ तुम ही रोक सकते हो बेटा। कहाँ गया मगधीरा, दिखाई नहीं दे रहा। तुम बता के भी नहीं गया। ये क्या बड़े भाई के ऊपर हाथ रख रहे हो तुम? हम फंस गए क्या? वही तो। मैं भयानक दरिंदा हूँ। भाई जी, हम तो सिर्फ नाटक के कलाकार ही हैं। असली भेष जिसने बदला है उससे पूछ सकते हो ना तुम? न्याय की बात तो कर। Oh, oh, oh.
अधिकारियों, हम यही खेल खेलते हो। भी जानते हैं और बुराई करने वालों की पूंछ काटना भी जानते हैं। इसमें से 3% तो समझ में आ गया है। नाम बदलने से ताकत मिलेगी, मतलब? हाँ भाई, तुम मगधीरा हो ना, अब बेताल हो गए हो तो ताकत मिल गई है। संकट आने पे पिशाब करो। अरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। संकट आने पर अकेले बेताल परीक्षा में जाओ, इसका यही अर्थ है। मैं गया और जीत गया। सही कह रहे हो। सूर्य के छिपने पर छड़ी को तोड़ो, अब इसका अर्थ क्या है वो भी पता लगा लेंगे। अल्फा बीटा गामा, तुम लोगों को ऊपर रानी के महल में जाना होगा। जीत हमारी होगी। दोरंगी सामा, तुम्हें कारागार में घुसना होगा, किसी भी हाल में मेरे दादाजी को बचाना। ठीक है भैया। सूरा, किले की चारों दिशाओं के विभाग तुम संभालोगे। निश्चित मगधीरा। कल का सूर्योदय प्रजा के जीवन में नई रोशनी लाएगा। वो मगधीरा जाकर इस धोबी से मिला था, इसे मार मार कर सच उगलवाया मैंने। कैसा सच? हमारे साम्राज्य को और आपको पूरी तरह से जड़ से उखाड़ने के लिए ही कांगनी देश से आया है ये खूंखार मगधीरा। मगधीरा, मुझे मिटाने आए हो? आप पूजा पूरी कीजिए, उस मगधीरा को मैं मिटाता हूं। ढूंढते यहाँ आ गए। मौत से डर कर सब भागते हैं, वीर को देख कर मौत भी भाग जाती है। खुश मत हो जाओ मगधीरा, इस किले का दलपति तुम्हारे सामने। दलपति। सुन,
तो सिर्फ इस किले का ही दलपति है। मैं तेरी किस्मत को पलटने के लिए ही यहाँ आया पीछे जाना है या आगे जाना है? आगे जाना है। चलो भाई। सिंहासन सब कुछ तुम ले लो, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मगधीरा। सुनो मेरी बात, सुनो, जरा सोचो मगधीरा, मैं भी बेताल हूं, सोचो। ये वीरों को पैदा करने वाली धरती है, यहां द्रोहियों का कोई काम नहीं है। इस अंगूठी को तोड़ने से रानी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, उसका पागलपन बढ़ जाएगा और तब तुम्हारा बचना मुश्किल हो जाएगा। जानने की कोई शक्ति है, आप मेरे राजा के भक्त हैं, मैं उनका विश्वासी हूं।
इसी कारण मुझे भी कारागार में बंदी बनाकर रखा था। अब आप मुझे आदेश दीजिए कि मुझे क्या करना होगा। आका ए बेटा देख वहाँ जिसे बांध के रखा वही शायद पवन मल्ली है। हाँ चलो उन्हें बचाते हैं। माँ रुक जाइए, ये आपके छोटे भाई का बेटा है मगधीरा। जादू ने आप पर जादू कर रखा है, आप क्या करिए ये आप खुद ही नहीं जानती। मगधीरा तुम मेरी बेटी को तो मूर्ख बना सकते हो लेकिन मुझे मूर्ख बनाना तुम्हारे बस की बात नहीं। पर माँ मैं यमन रानी हूँ, उस यमन की भी रानी हूँ।
गया। तू श्राप से मुक्त हो गया दोस्त। इस प्रजा को बहुत कष्ट दिए मैंने, उसकी सजा मुझे भुगतनी होगी। रानी, रानी रुक जाइए, आपके अंदर का शैतान मिट चुका है। आज से आप प्रजा की भलाई और खुशहाली के लिए राज कर सकती हैं। मेरे कारण ही तुम्हारे परिवार को श्राप मिला था, उसका मैं पश्चाताप कर रहा हूँ। आज से तुम सब खुश हो। रुक जाइए, जल्दबाजी मत कीजिए, अब मेरा जीना बेकार है। देखिए, बेशक आपसे गलती हुई है, लेकिन आपने गलती जानबूझ के नहीं की है। हम सबको आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। हम वेताल जाति के लोगों ने अपने अघोर द्वीप में वापस जाने का निर्णय लिया है। वहां मेरी बेटी मंदाकिनी राज करेगी। मेरे राज की इस वेताल और 56 गांवों को मैं आपको वापस लौटाती हूँ। महारानी, मगधीरा पैदाइशी वेताल जाति का हो सकता है, परंतु उन्हें हमारे पास ही रहने दीजिए उपहार के तौर पर। जी बिल्कुल, इसीलिए मैं मगधीरा को इस देश का राजा घोषित करती हूँ। महाराज मगधीरा की जय हो। महाराज मगधीरा की जय हो। महाराज आप ही के बीच पला बढ़ा हूं। राजा का बद मिलने के बाद भी मैं आप लोगों में से ही एक हूं। प्रजा की भलाई के लिए उठने वाली पहली आवाज हमेशा मेरी ही होगी। यहां सबको सब कुछ मिले, यही मेरा लक्ष्य होगा। आप सबकी खुशी में ही मेरी खुशी है। सामा को कैसे बोना बना दिया? अरे सिर्फ सामा को ही नहीं, अरे सिर्फ उसको ही नहीं, उसके कपड़ों को भी बोना बना दिया है। पूरे 11 बीज और एक जड़, इससे ज्यादा रहस्य नहीं बता सकता। अब तो खुश होना सामा। बहुत बहुत मुबारक हो सामा, तेरी बीवी की गोद भराई रसम पर बुलावा भेजना, मैं अपनी बीवी बच्चों के साथ आता हूँ। Yeah.